करने से चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। आप तो चले जाते हो ना, जो आपके पीछे रह जाता है सोचो उसकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है। आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो तो यहाँ पे ना करवा चौथ जो है लड़कियां रखती हैं जब जस्ट शादी से पहले से, मतलब यहाँ लड़कियां रखती हैं। जैसे हम लोग यहाँ करवा चौथ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और खांसी मेरी शुरू हो गई है। अभी जा रही थी मैं वॉक पे, वॉक से मुझे जाना है रतनदीप, और वहाँ से कुछ सामान लाना है। कल मेहंदी लेने गई थी, मेहंदी मिली नहीं, तो बाहर जाने की मेरे विकास ने मना किया कि बाहर वहाँ मत जाओ अकेले। तो देखते हैं जो भी होगा, नहीं तो कर लेके आएंगे। और हमारे उधर उतना मेहंदी कंपलसरी भी नहीं है, पर वही था कि इतने दिन 8 सालों से लगा रही थी, क्योंकि पंजाब में तो मतलब मेहंदी ना खूब अच्छे से सजना होता है। तो देखते हैं मिल जाएगी, नहीं तो फिर कल लेके आएंगे। और आज मुझे डिनर पे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो वापस आके फिर मिलते हैं। यही टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि धूप नहीं होती, मुझे धूप से थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है। तो यहाँ सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये जो है, पहले मैं सोचती थी यहाँ पे मंकी क्यों आते हैं, क्यों आते हैं ना। ये देखो छोटा सा बच्चा और पीछे उसकी मार, मतलब बैठे हुए हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये और लोगों को कभी ये हार्म नहीं करते, ये चीज़ इनकी बड़ी अच्छी है। तो मैं वॉक करते समय मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिया एक इनका पिक लिया। फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड राउंड में आई तो मुझे लगा कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, है ना। और यहाँ फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देखो रात में भी मतलब इतना। और यहाँ पे फ्लावर का वो करने पे ना 1400 का अच्छा खासा वो पड़ता है, क्या कहते हैं, जुर्माना, है ना। और ये हमारे सर अंकल लोग बैठे थे, आपस में बातें बातें कर रहे थे। तो ये चीज़ें फ्लैट्स में बड़ी अच्छी लगती है कि सबको कंपनी मिलती है, हर एज ग्रुप के लिए अपनी अपनी कंपनी होती है। और सेकेंड राउंड में जब मैं आई थी तो ये सो रहे थे मंकी। तो लोगों को लगता है कि हमने 2 फ्लैट ले लिए, 5 फ्लैट ले लिए, 10 फ्लैट ले लिए, लेकिन वो फ्लैट लेने के लिए ना जंगलों को काटा जा रहा है। और उसमें क्या है, इनके अपने घर हैं, वो घर भी मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए बेचारे ये यहाँ आके सो रहे हैं। और कई तो बेचारे करंट में लग के मर जाते हैं। तो सोचिए मतलब ये इतना इस चीज़ पे खुशी नहीं होनी चाहिए लोगों You को। missed Marilyn. अच्छा, इसने साड़ी पहनी थी? Half साड़ी. ऐसी वाली? Half ऐसी साड़ी में नहीं, but she wore अच्छा that. अच्छा 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 वो पहननी जरूरी होती है। लहंगा पहन के दे दे, हाफ साड़ी है। हाँ, क्या दिन था ये आज का? This is called as Akla Tariya. हाँ, जो करवा चौथ के एक दिन पहले आता है, तीसरा दिन। अच्छा, कंपलसरी हर करवा चौथ के पहले दिन ही? हाँ, मतलब पहले पहले दिन ही आता है वो। चौथ चौथ तुम्हारा दिन है, तीनों तीन होता है। तीसरा है, क्या बोलते हैं इसको, तृतीय? तृतीय तदिया इज थर्ड, थर्ड डे ऑफ द मून, मतलब पौर्णमी के बाद। तो दिस इज ऑल समथिंग लाइक गुड फॉर माय हस्बैंड, फॉर ओके, तो उसके फ्यूचर फ्यूचर हस्बैंड के लिए है। हाँ, बच्चे जो करते हैं, यंग गर्ल्स, दे वांट फॉर गेटिंग अ गुड हस्बैंड। ओके, जो शादी की बात करते हैं, दैट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ 10 साल करते हैं। हाँ, 10 साल के बाद उद्यापन होता है। ओके, एंड दैट्स हाउ इट गोस। सो द इम्पोर्टेंट इज अटला तदिया, अटला अटलू मीन्स। तो आज का मेन डिश जो होता है वो दोसे का होता है, होता है ना। वी ऑफर दोसा टू गॉडेस आल्सो एंड विद जागरी, और शादी वाले शादीशुदा लेने को बुला के भी वो भी ऑफर करते हैं, अक्सर होता है। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ डिनर पे आई थी, तो उसकी बालकनी से चांद दिख रहा था। तो ये लोग भी करवा चौथ के एक दिन पहले चांद देख के ही व्रत तोड़ते हैं। तो इनका करवा चौथ जस्ट बिफोर आर करवा चौथ है ना, तो बस ऐसे ही हम लोग भी देख रहे थे यहाँ पे। फाइनली मेरे को मेहंदी मिल गई और मैंने लगा ली। ये मेरा सबसे फेवरेट वो है, मैंने बहुत सारी कोशिश की डिज़ाइन लगाने के लिए, मैं गई भी थी और नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने यही लगा ली अपने हाथों में, पहले तो मैंने एक हाथ में लगाई, जब ये थोड़ा ड्राई हो गया था फिर मैंने दूसरे हाथ में लगाई। तो ये बड़ी इजी रहती है, तो मुझे ऐसा बहुत ऐसा नहीं लगता कि डिज़ाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है ना।
हेलो गुट्टू। हेलो गुट्टू, कैसी हो? देखो क्या अच्छी हो। मेहंदी लगाई थी क्या? ये लगाई है ना, ये वाली लगाई है, ये देखो ये वाली। मैं वेट कर रही थी कि तुम लगा दोगे, फिर मुझे लगा लेट आओगे ना। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। कल ऑफिस है? सवेरे जाऊंगा, आ जाऊंगा। मेरा ये दांत बहुत दर्द हो रहा है। कौन सा वाला? ये वाला ना। हाँ? ये देखो, इसमें उसको बोला कैप करना है। हाँ। कराई लूंगी उससे, है ना। ये इमरजेंसी वाला है, ये च्युइंग वाला है ना। अगर ये भी नहीं कराया तो ये भी गया, तो दोनों दांत चले गए, तो फिर इधर से तो चबाने ही खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? और आज यहाँ पे कुछ मतलब ऐसी न्यूज आई है, तो सीरियसली बहुत जिसे कहते हैं ना कि दुख लग रहा है। आज यहाँ पे किसी ने यहाँ पे या पता नहीं कौन से टावर में किसी ने सुसाइड कर लिया 14th फ्लोर से गिर करके, है ना। तो पता नहीं कैसे लोग ये मानसिकता लेके चलते हैं कि ये करने से चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। आप तो चले जाते हो ना, जो आपके पीछे रह जाता है, सोचो उसकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है। आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स तो जीते जी मर जाते हैं। मैंने देखा है कई बार ऐसा हुआ है, मतलब हमारी फैमिली में भी हुआ था कि एक हमारे कजिन थे, उसने सुसाइड किया था। तो आज तक उनकी मदर मतलब उस चीज से कम आउट नहीं हो पा रही है कि मतलब होता है, भूल ही नहीं सकते आप। आज मेरे ख्याल से हो गया 97 में उस लड़के ने सुसाइड किया था, और अभी 2023 चल रहा है, पर आज भी उनके सामने वो यादें वैसी ही हैं कि कैसे वो हंसता था, कैसे करता था। तो मुझे नहीं लगता कि सुसाइड करना चाहिए, और क्यों किया ये, मतलब जो भी है, ये बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं। अगर आपको मतलब होता है ना कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, होता है ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्टेड कर लो। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो ठीक है यार, चिल मार के अलग रहो, है ना। लेकिन आप सुसाइड करके अपनी लाइफ, सोचो आप बचपन से इतने बड़े होते हो, बहुत कुछ आपके अंदर होता है कि करना है, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है, सब कुछ जीरो पे आके स्टैंड हो जाता है ना। तो सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत लोग कहते हैं कायरो का काम है, तो सीरियसली आप चले जाओगे और उसके बाद पीठ पीछे सब कुछ खाली हो जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और एक बार जो चला गया ना वो कभी वापस नहीं आता। मेरे फादर के जाने के बाद मैंने इस चीज को रियलाइज किया है कि कितना भी आप कितना भी रो लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन वो इंसान आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। चलो ठीक है, उनकी वो तो ऐसे गए थे मतलब कि चलो उन्होंने अपनी उम्र जी ली थी, उन्होंने सब कुछ देख लिया था, लेकिन जो यंगस्टर्स करते हैं उन्हें क्या मिलता है मुझे समझ ही नहीं आता। तो खैर, आज फास्ट है, कुछ खाया नहीं है तो ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर प्यास और भूख लगने लगेगी, है ना। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और सबका सब लोगों ने आज व्रत रखा होगा अपने पति की लंबी उम्र के लिए। मैंने भी रखा है और फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड ने भी रखा है, और हम दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रख रहे हैं जब से हमारी शादी से पहले से, है ना। तो अच्छा लगता है, मतलब ठीक है, हम तो रखते ही हैं, अगर हमारे हस्बैंड रखते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो खैर, आज कल यहाँ पे चांद बहुत लेट निकला था। कल यहाँ का करवा चौथ था, जो तेलुगु लोगों का होता है करवा चौथ। ये जैसे हमारा करवा चौथ, चौथ को आता है फोर्थ डे और इनका आता है थर्ड डे, तो जस्ट वन डे बिफोर ये लोग बनाते हैं इनका करवा। तो यहाँ पे ना करवा चौथ जो है लड़कियाँ रखती हैं जब जस्ट शादी से पहले से, मतलब यहाँ लड़कियाँ रखती हैं। जैसे हम लोग यहाँ करवा चौथ शादी के बाद रखा जाता है, पर यहाँ पे क्या है, लड़कियाँ पहले से ही रखना शुरू कर देती हैं। और जब शादी हो जाती है तो शादी के 10 साल तक इनको रखना होता है, और उसके बाद ये उद्यापन कर देती हैं। तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है हमारे और इनके करवा चौथ में। ये लोगों का 10 इयर्स में ख़त्म हो जाता है करवा चौथ, पर हमारा लाइफ लॉन्ग रहता है। और अच्छा भी लगता है कि हस्बैंड के लिए आप तैयार होते हो, है ना, और हस्बैंड
कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं, मेरे भी हस्बैंड लाए हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या गिफ्ट दिया है उन्होंने मुझे करवा चौथ में। तो बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन ऐसा होता है, मैं वैसे फास्ट आपको पता है मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ, तो लेकिन ये फास्ट में ऐसा होता है कि आपको प्यास भी नहीं लगती, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता, तो अच्छा लगता है। बस मैं इंजॉय करती हूँ इस फास्ट को बहुत ज़्यादा। और कल यहाँ चांद 9:10 पे निकला था, गॉड नोज आज कब निकलेगा। तो बस आज मैंने बनाया था अपने लिए कढ़ी चावल कचौड़ी सब्जी, है ना, जितना जो चीज़ें पहले क्या था कि बड़ी फैमिली थी, बच्चे भी थे, है ना, तो सबकी चॉइस के हिसाब से बनाते थे। और खाना बनाने में पता है लोगों को लगता है टायर्ड है पर खाना बनाने में सबसे अच्छा टाइम जाता है। तो बस तो आज का मेरा डिनर है राइस सब्जी और ये है कढ़ी। इससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाया क्योंकि खाने के लिए मुझे जो चाहिए था वही बनाया, बचा करके फ्रिज में रखने से कोई फायदा नहीं होता। पता है ये जो मैंने साड़ी पहनी है ये मेरे रिसेप्शन की साड़ी है और ये मैंने सेकेंड टाइम पहनी है, ये मम्मी के यहाँ रखवा दी थी, तो मम्मी इसमें धूप और नीम की पत्तियाँ ये सब रखवाती रहती थी और मुझे बहुत हैवी लगती थी साड़ी, पर आज थोड़ा होता है ना जब आप मैच्योर हो जाते हो तो चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, तो अभी मैं बड़ी इजीली मैंने साड़ी पहनी है। और मैंने क्या था चंडीगढ़ में ना कुछ भी फंक्शन होता था तो साड़ी और ये सब चीज़ें चलती थी, तो इसका क्रेडिट भी चंडीगढ़ को ही जाता है क्योंकि वहाँ मैंने साड़ी पहनी है और अब मैं साड़ियों को हैंडल कर लेती हूँ। अदरवाइज साड़ी ऐसा था कि मैं पहन ही नहीं सकती, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और आपने देखा मैंने अपने लिए अपना फेवरेट खाना बनाया है बहुत। ये जो टीका है ना ये मैंने लिया था जस्ट एक कोई फंक्शन के लिए, तो आज मेरा मन हुआ कि मैं लगाऊं, है ना, मैं है ना वर्ड बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो इसके लिए सॉरी, बट धीरे धीरे हैबिट ये भी जाएगी। और मैंने गले में कुछ खास नहीं पहना है, सिर्फ मंगलसूत्र पहना है, बहुत मतलब हैवी पहनो ना तो अजीब सा हो जाता है, कम्फर्टेबल नहीं लगता है, एक तो व्रत है ऊपर से आप इतना पूरे टाइम तैयार होके बैठे रहो, तो बस इसीलिए नहीं पहना। और ये चूड़ियाँ मैंने क्या कहते हैं ग्रीन कलर थोड़ा वाइब्रेंट लग रहा था इसलिए मैंने डाला है। और कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ? और कब आएगा चांदा? People desperately waiting for the moon. Couples desperately waiting for the moon. आज ज़्यादा ही देर लगा रहे हैं। Expected here. कल 9:10 पे निकला था, है ना? Finally seen very hip. बस कल का चांद निकला था 9:40 पे और उसके बाद अच्छी सी खाना खा के नींद आ गई। और बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।